मॉर्निंग, सुबह के 8 बज चुके हैं और करंट अफेयर की क्लास अपलोड हो चुकी है। ज़रा वीडियो की शुरुआत करने से पहले वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल पे जो लोग नए हैं वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन टाइम मैगजीन की वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुनी गई है? कौन चुनी गई है टाइम मैगजीन की वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ एथलीट? आपके ऑप्शन है ए एलेक्स मॉर्गन, बी सिमोन वाइल्स, सी नोमी ओशाका, डी केटी लेसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिमोन वाइल्स। सिमोन वाइल्स ही टाइम मैगजीन की सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुनी गई है 2021 की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला फ्रांस के लग्जरी ग्रुप चैनल की नई सीईओ बनी है? कौन बनी है महिला फ्रांस के लग्जरी ग्रुप चैनल की नई सीईओ? आपके ऑप्शन है ए अनीता कश्यप, बी रजनी माधव, सी हंसा निगम, डी लीना नायर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा लीना नायर। लीना नायर ही भारतीय मूल की महिला फ्रांस के लग्जरी ग्रुप चैनल की नई सीईओ बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस ड्राइवर ने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है? किस ड्राइवर ने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है? आपके ऑप्शन है ए लुइस हैमिल्टन, बी मैक्स वर्स्टैपेन, सी आयरटन सेना, डी डैनियल रिकियाडो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टैपेन। इन्होंने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने नवंबर महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है? नवंबर महीने के लिए किस खिलाड़ी ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है? आपके ऑप्शन है ए डेविड वॉर्नर, बी मैथ्यू वेट, सी चेतेश्वर पुजारा, डी केएल राहुल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डेविड वॉर्नर। डेविड वॉर्नर ने ही पुरुष ने नवंबर महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना है? टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना है? आपके ऑप्शन है ए सोनू सूद, बी व्लादिमीर पुतिन, सी एलन मस्क, डी सी जिनपिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एलन मस्क। एलन मस्क को ही टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे वर्ष 2021 का रामानुजन पुरस्कार मिला है? किसे मिला है रामानुजन पुरस्कार 2021 का? आपके ऑप्शन है ए अनीता देशपांडे, बी मीनाक्षी त्रिपाठी, सी गीता सिंह, डी नीना गुप्ता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नीना गुप्ता। नीना गुप्ता को ही वर्ष 2021 का रामानुजन पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे यूनिसेफ की नई प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यूनिसेफ की नई प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है ए कैथरीन रसेल, बी जेसी ओस्का, सी लिली अल्फ्रेड, डी युआन जोन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कैथरीन रसेल। कैथरीन रसेल को ही यूनिसेफ की नई प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय सुंदरी ने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है? किसने जीता है मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब? वैसे इसको सभी जानते हैं, मोस्टली लोग जानते होंगे। वो जीता है हरनाज संधू ने। ऑप्शन देने की भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 पुरस्कार मिला है? रॉयल गोल्ड मेडल 2022 का पुरस्कार किसे मिला है? आपके ऑप्शन है ए रामनाथ सेकावत, बी गोपाल राव, सी रामचंद्र गौड़, डी बालकृष्ण जोशी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण जोशी। बालकृष्ण जोशी को ही रॉयल गोल्ड मेडल 2022 का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रतिवर्ष विश्व पर्वत दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व पर्वत दिवस किस तारीख को मनाया जाता है दिसंबर महीने में? आपके ऑप्शन है ए 8 को, बी 10 को, सी 11 को, डी 12 को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 11। 11 दिसंबर को ही विश्व पर्वत दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? भारत को कौन सा स्थान मिला है एशिया पावर इंडेक्स 2021 में? आपके ऑप्शन है ए पहला, बी तीसरा, सी चौथा, डी पांचवा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा। चौथा स्थान मिला है एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 8 को, बी 10, सी 12, डी 14। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। 10 तारीख को ही विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने? कौन बने जर्मनी के नए चांसलर? आपके ऑप्शन है ए एडम चार्ल्स, बी ओलाफ स्कोल्स, सी मैक्स डायमंड, डी युवा दिस्काटेजे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओलाफ स्कोल्स ही जर्मनी के नए चांसलर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? किस तारीख को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस? आपकी ऑप्शन है ए 9 को, बी 10 को, सी 11 को, डी 7 को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 तारीख को ही अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस मनाया जाता है। सारे दिवस दिसंबर महीने में ही मनाए जा रहे हैं आजकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश से संबंधित दुनिया की सबसे उम्रदराज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर एलिन एस का निधन हुआ है? एलिन एस हैं वो किस देश से संबंधित थी ये बताना है आपको। इसके ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी इंग्लैंड, सी न्यूजीलैंड, डी आयरलैंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। एलिन एश इंग्लैंड की ही सबसे उम्रदराज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर थी जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टीम ने हाल ही में डेविस कप 2021 का खिताब जीता है? किस टीम ने जीता है डेविस कप 2021 का खिताब? आपके ऑप्शन है ए रूस, बी सर्बिया, सी ऑस्ट्रेलिया, डी क्रोएशिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 467 का राइट आंसर हो जाएगा रूस। रूस ने ही डेविस कप 2021 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महिला टेनिस एसोसिएशन WTA ने किस साल की सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी के पुरस्कार से नवाजा है? किसे साल की सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी के पुरस्कार से नवाजा है महिला टेनिस एसोसिएशन ने? आपके ऑप्शन है ए एश वॉटरी, बी एमा रादुकानू, सी बोरबोरा क्रेसिकोवा, डी कार्ला सुओरेज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 468 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एमा रादुकानू। एमा रादुकानू को ही महिला टेनिस एसोसिएशन ने साल की सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी के पुरस्कार से नवाजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन FICCI के नए अध्यक्ष बने हैं? कौन बने FICCI के नए अध्यक्ष? आपके ऑप्शन है ए रणवीर शेख, बी सुरेश दारूवाला, सी संजीव मेहता, डी राजेश खंडाला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 469 का राइट आंसर संजीव मेहता। संजीव मेहता ही FICCI के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? किसे दिया गया 97वें
97 ज्ञानपीठ पुरस्कार आपके ऑप्शन है ए अरविंद मेहता, बी जे के देवगन, सी विष्णुनाथ शर्मा, डी दामोदर मोजो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर मोजो। दामोदर मोजर को ही ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष पूरे भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है सशस्त्र सेना झंडा दिवस? आपके ऑप्शन है ए 7 दिसंबर को, बी 3 दिसंबर को, सी 8 दिसंबर को, डी 5 दिसंबर को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 दिसंबर। 7 दिसंबर को ही सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस टीम ने जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब जीता है? किस टीम ने जीता है जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब? आपके ऑप्शन है ए भारत, बी जर्मनी, डी फ्रांस, सी अर्जेंटीना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने ही जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला मेटल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? किस बैंक ने मेटल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है IDFC फर्स्ट बैंक, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी एक्सिस बैंक, डी SDFC बैंक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा IDFC फर्स्ट बैंक। इसने ही भारत का पहला मेटल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है ए वर्षा त्रिपाठी, बी सुमन चौधरी, सी जूली गौतम, डी अलका उपाध्याय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अलका उपाध्याय। अलका उपाध्याय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की नए अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कोनिजेती रोसैया का 89 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे? आपके ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी उड़ीसा, डी तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 475 का राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य के ही पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे कोनिजेती रोसैया, जिनका अभी 89 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। Thanks for watching.